अभय दुबे जी क्या कहेंगे? हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि अज्ञानता और अहंकार का वैक्सीन नहीं होता, कोरोना का तो आ गया है, और ये कहा उन्होंने राहुल गांधी के लिए, और शाजिया जी सहानुभूति जता रही है। देखिए शाजिया जी को हमदर्दी है, लेकिन देश की वो ब्रीफ करने को तैयार है राहुल गांधी को? अभय दुबे जी देखिए आपकी नौकरी पे खतरा है। देश की जनता जो है उसके लिए बड़ी बेदर्द सरकार है, ये झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं। ये एक भारत की सरकार का प्रेस रिलीज है दीपक चौरसिया, आप देश के सबसे मूर्धन्य पत्रकार हैं, आप निगाह रखते हैं बारीकी से। क्या कह रही थी एक महीने पहले? वो कह रहे थे कि साहब 108 करोड़ एलिजिबल पॉपुलेशन है, उसके 216 करोड़ वैक्सीन की व्यवस्था हम दिसंबर तक कर लेंगे। बाइफरकेशन भी किया था कि कोविशील्ड इतने देगी, कोवैक्सीन इतने देगी, जायडस इतने देगी, नोवैक्स इतने की पूरी प्रेस रिलीज दी। सुप्रीम कोर्ट ने झूठा शपथ पत्र दे दिया क्या फिर शाजिया जी? सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि साहब 135 करोड़ वैक्सीन की हम व्यवस्था और करेंगे अगस्त से दिसंबर तक, क्योंकि जुलाई के अंत तक 56 करोड़ वैक्सीन लग जाएंगे। अब ये शपथ पत्र को भी मैं सही मान लूं तो शाजिया इल्मी जी, अगर आज 34 करोड़ वैक्सीन लगे हैं तो जैसा दीपक चौरसिया जी ने अपनी प्रोमो में अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 60 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लग रहे हैं, उस अभियान के बाद 21 जून को 87,29,303 वैक्सीन लगे, 22 जून को वो सीधा आंकड़ा आ गया 29 लाख, 23 जून को 30,79,000, 24 जून को 30,80,000, 25 जून को 31,50,000, 26 जून को 32,17,000, ये मेरे नहीं है, ये गृह मंत्रालय के डेटा है जो मैं पढ़ रहा हूँ, 27 जून को 32 लाख, एवरेज 30 लाख। आप धैर्य पूर्वक सुनिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, पूरे कार्यक्रम में बोल नहीं पाएंगे जी, ये काम हम लोग नहीं करते हैं और ये सबके सामने हो रहा है, सारे राज्यों को इसकी जानकारी है, ये कुछ ऐसे ये पूरी पारदर्शिता के साथ कंप्लीट कर लेने दीजिए, एक एक करके आते हैं, राहुल जी भी मेरे साथ जुड़ गए, राहुल सर आशुतोष भी मेरे साथ हैं, कंप्लीट कर लेने दीजिए अभय दुबे को, फिर मैं आपके पास आता हूँ। शाजिया इतनी बेदर्दी से वैक्सीन लेके जा रहे हैं और इतनी लापरवाही से काम किया जा रहा है और सिर्फ अमीर लोगों को वहाँ पे वैक्सीन मिल रहा है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, मोदी जी राहुल गांधी देश को नियोजित रूप से आपने बर्बादी की गर्त में डाल दिया, इसका जवाब आपके प्रवक्ता से लेकर आपके स्वास्थ्य तक सब रोज झूठ बोल रहे हैं, इसमें इतना म्यूटेशन होगा वायरस। अच्छा एक एक करके बोलते हैं, दोनों बात नहीं, दोनों की बात एक साथ आएगी तो शाजिया आप जानती है टेलीविजन को, अभय आप भी जानते हैं, ऑडियो नहीं पहुंचेगा ठीक से। अभय कंप्लीट करिए फिर मैं शाजिया के पास जाऊंगा, शाजिया रुकिए अभय को कंप्लीट करने दीजिए। देखिए दीपक जी, इस देश को धोखा कैसे दिया सरकार ने, ये कहते हैं राहुल गांधी जी को समझ नहीं, तो फिर हर बात राहुल गांधी की क्यों स्वीकार की? राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री जी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आप अपने हाथ में लीजिए, पहले मना करते रहे फिर उन्होंने अपने हाथ में लिया, पहले इन्होंने कहा कि राज्य प्रिक्योर कर ले, उनकी डिमांड थी, मुझे दुख हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे टेलीविजन पर आकर, देश के प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन को अनुमति नहीं दी। आप जानते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो अनुमति देती है वैक्सीन को, उसने सिर्फ दो ही वैक्सीन को अप्रूवल दिया, एक जानकारी नहीं है वैक्सीन, प्रधानमंत्री कहाँ से सांसद का चुनाव लड़ते जानती है आप कहाँ से? अच्छा दोनों रुकिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक के ऊपर एक मत, दर्शक नहीं समझ पाते, एक एक करके एक एक मिनट में अपनी बात रखें, अनलिमिटेड टाइम ना रखें।